kılıcım ben bu kadına intikamı var ki. Yerde kucağında can veren Süreyya'nın yanına yollayın seni. Bırak anasını. Sana askerim olma şerefim de. Şerefini kanamadım. Seni kendine Mısır'a gönder. Ne bu topraklarda maden donmuştur? Bir yere gitmem. Yarına kadar bu diyarı terk etmezsen kılıcımla saker atar. दोस्तों बात करते हैं सरिया हातून की। सरिया हातून के बारे में बात करें तो ट्रेलर में देखा जा सकता है कि सरिया फातमी ने कमांडर मलहम से मुलाकात की है और सरिया के वालिद भी फातमी थे। सरिया फातमी के जासूस होने का इम्कान कम है। हमारी राय में सरिया फातमी जासूस नहीं हो सकती, लेकिन वो ज़रूर किसी मिशन पर गई होगी और उसने फातमी कमांडर मलहम से मुलाकात की है। कवि इम्कान है कि फातमी सलाहुद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन के ख़िलाफ़ हैं। चनाचा सरिया फातमी कमांडर मलहम के पास मालूमात हासिल करने या जासूसी के लिए गई है और हमारी राय में वहाँ बुत की नकाब कुशाई की जाएगी और वो इसे मार डालेंगे। और प्रोमो में जो देखा गया वो सलाहुद्दीन किसी की कब्र पर बैठा है, वो कब्र सरिया की हो सकती है क्योंकि आने वाली किस्त में एक नई अदाकारा ने एंट्री की है। वो सलाहुद्दीन की बीवी का किरदार अदा करती नजर आएंगी, इसलिए इस बात का कवि इम्कान है कि सरिया का किरदार आइंदा एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा। विक्टोरिया और बर्नार्ड के बारे में बात करें, ट्रेलर में विक्टोरिया को बर्नार्ड की गर्दन पर खंजर पकड़े देखा जा सकता है। यकीनन वो बर्नार्ड से बहुत नाराज़ होगी क्योंकि बर्नार्ड ने गजा खो दिया है और सुल्तान नूरुद्दीन ने गजा पर कब्जा कर लिया है, लेकिन विक्टोरिया बर्नार्ड के साथ इतिहाद नहीं तोड़ेगी। बर्नार्ड इसे कायल करेगा और वो कहेगा कि इसे गजा दोबारा मिल जाएगा और कोई ऐसे पेशकश करेगा जिसकी वजह से विक्टोरिया इस इतिहाद को ख़त्म करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।